show that root 2 is an irrational number. We have seen practice set 2.1. Now for 2.2, we discuss on this proof. Statement of this proof is show that root 2 is an irrational number. We will do this by indirect method. क्या होता है, कभी कभी हम कुछ कुछ प्रूफ इनडायरेक्ट मेथड से प्रूफ करते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, जो हमको प्रूफ किया है, प्रूफ करना है, उसके विपरीत हम एज्यूम करते हैं। जैसा कि वी हैव टू शो दैट रूट टू इज अ इरेशनल नंबर, तो हम एज्यूम क्या करेंगे, एज्यूम दैट रूट टू इज अ रैशनल नंबर, और कुछ ऐसे स्टेप्स करेंगे जिससे वो हमारा जो अजम्पशन है वो रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग होता ही है क्योंकि रूट टू इज इरेशनल नंबर है, और यदि हम एज्यूम करते हैं रूट टू इज अ रैशनल नंबर और कुछ स्टेप्स करेंगे तो सामने जाके हमारा जो अजम्पशन है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम दैट यहां से प्रूफ स्टार्ट होता है। एज्यूम दैट रूट टू इज ए रैशनल नंबर। अब एज्यूम कर लिया है कि रूट टू इरेशनल नहीं है, रैशनल है। वेन द रैशनल नंबर, देन वी कैन राइट दिस रूट टू इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। हमें मालूम है रैशनल नंबर P अपॉन क्यू फॉर्म में रहते हैं और P एंड Q आर इंटीजर्स, है ना। देयरफॉर रूट टू कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म P अपॉन क्यू। देयरफॉर root 2 equal to p upon q, where p upon q is in reduced form. Therefore, p and q have no P, Q have not common factor other than one. तो क्या है, रूट टू कैन बी एक्सप्रेस, हमने रैशनल नंबर एज्यूम किया, देयरफॉर इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, बिकॉज दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इज पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, और ये पी और क्यू क्या है, रेड्यूस फॉर्म में। दिस रेशियो इज इन रेड्यूस फॉर्म एंड देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। इनको सिर्फ कॉमन फैक्टर वन है, वन के सिवा दूसरा कुछ भी फैक्टर नहीं है। पी अपॉन क्यू इज इन रेड्यूस फॉर्म। देयरफॉर क्या है, रूट टू इक्वल टू क्या है हमारे पास, पी अपॉन क्यू। स्क्वेयरिंग करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। व्हेन वी स्क्वेयर बोथ साइड, स्क्वेयर रूट निकल जाएगा, टू हो जाएगा, एंड पी स्क्वेयर अपॉन क्यू स्क्वेयर। क्यू स्क्वेयर ब्रिंग दिस क्यू स्क्वेयर दिस साइड, तो ये क्या हो जाएगा, टू क्यू स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर। देयरफॉर पी स्क्वेयर इक्वल टू टू क्यू स्क्वेयर। स्क्वेयर इधर आ गया, पी स्क्वेयर इक्वल टू क्या हो गया, टू क्यू स्क्वेयर। अब पी स्क्वेयर का, पी स्क्वेयर इक्वल टू टू क्यू स्क्वेयर मीन्स टू मल्टीप्लाइड बाय क्यू स्क्वेयर। जब कोई भी टर्म टू के मल्टीपल में होती है तो इवन होती है, क्या होती है, इवन। तो पी स्क्वेयर इज अ मल्टीपल ऑफ टू, टू मल्टीप्लाइड बाय क्यू स्क्वेयर मीन्स पी स्क्वेयर इज इवन। टू मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर क्या होती है, इवन होती है। Therefore, 2 जिसका फैक्टर होता है वो क्या है, इवन। Therefore, P square
इज इवन नंबर, पी स्क्वेयर क्या है, इवन नंबर है, पी स्क्वेयर इज अ इवन नंबर, पी स्क्वेयर इवन है, देयरफॉर अब पी स्क्वेयर इवन है तो पी भी इवन होगा क्योंकि स्क्वेयर ऑफ इवन नंबर इज इवन और इवन नंबर का स्क्वेयर रूट इवन होता है, जब स्क्वेयर इवन है तो उसका स्क्वेयर रूट भी इवन रहता है, देयरफॉर पी इज ऑल्सो इवन, देयरफॉर पी इज अ इवन नंबर। अब जब पी इवन है देयरफॉर इवन है मतलब उसको कॉमन है, क्या है उसका मल्टीपल फैक्टर है, देयरफॉर पी हैव अ फैक्टर टू, तो पी को कौन सा फैक्टर है, इवन नंबर है, मीन्स पी हैव अ कॉमन फैक्टर टू, देयरफॉर पी हैव कॉमन फैक्टर टू, देयरफॉर पी को क्या है कॉमन फैक्टर है कौन सा टू, तो ले लेते हैं देयरफॉर पी इक्वल टू टू टी, टी इज एनी नंबर तो पी इज मल्टीपल ऑफ टू, स्क्वेयर करते हैं इसको, स्क्वेयरिंग बोथ साइड तो क्या मिलेगा हमें, पी स्क्वेयर इक्वल टू टू का स्क्वेयर फोर और एट टी स्क्वेयर, पी स्क्वेयर की वैल्यू है हमारे पास क्या है टू क्यू स्क्वेयर, मान लेते हैं इसको वन नेम लेते, देयरफॉर वी कैन राइट फ्रॉम वन पी स्क्वेयर की जगह क्या लिखते हैं हम टू क्यू स्क्वेयर फ्रॉम वन, देयरफॉर टू क्यू स्क्वेयर इक्वल टू फोर टी स्क्वेयर, कहां से लिखा हमने फ्रॉम वन बिकॉज वी हैव वैल्यू पी स्क्वेयर इक्वल टू टू क्यू स्क्वेयर, व्हेन वी डिवाइड बाय टू, यदि हम टू से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा हमको q स्क्वेयर इक्वल टू टू टी स्क्वेयर, क्या किया हमने डिवाइडिंग बाय टू, डिवाइडिंग बाय टू करते हैं तो क्या मिलता है हमें q स्क्वेयर इक्वल टू टू टी स्क्वेयर, अब यहां देखो q स्क्वेयर इज इवन नंबर है क्योंकि टू के मल्टीपल में है ना, काहे के मल्टीपल में है टू के, देयरफॉर जो भी नंबर टू के मल्टीपल में होती है वो क्या होती है इवन नंबर होती है, therefore q square is a even number, therefore q square is a even number, अब square even है तो उसका square root भी even रहता है because square root of even number is even, therefore q is a even number, therefore Q have common factor 2, common factor 2, इसलिए क्या हो गया 2 को भी common factor आया कौन सा 2, because square root of Q is, Q square is even, therefore its square root also even, Q square even है तो Q भी even हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे P is a even number, P have a common factor 2 और q हैव अ कॉमन फैक्टर 2, अब देखो दोनों को क्या है, देयरफॉर p एंड q हैव कॉमन फैक्टर 2, कॉमन फैक्टर है बिकॉज q इज इवन देयरफॉर इट हैव कॉमन फैक्टर, p इज इवन q इज इवन देयरफॉर बोथ हैव कॉमन फैक्टर 2, कॉमन फैक्टर टू, बट दिस इज अ कॉन्ट्रेडिक्टरी क्योंकि हमने अजम्पशन में लिखा है ये रिड्यूस फॉर्म में है एंड पी क्यू हैव नॉट कॉमन फैक्टर अदर देन वन, देयरफॉर दिस इज अ कॉन्ट्रेडिक्टरी, दिस इज अ कॉन्ट्रेडिक्टरी, देयरफॉर क्योंकि P एंड Q हैव कॉन्ट्राडिक्टरी
because since ki p and q have no common factor other than one one के अलावा ये दोनों को कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. therefore our assumption is wrong. our assumption is wrong. therefore root 2 is a rational number. इस प्रकार हमको प्रूफ करना है. सिंपल है. इनडायरेक्ट मेथड से हमने किया है. हमको रूट टू इरेशनल बताना था. हम एज्यूम करते हैं कि रूट टू इरेशनल नहीं है, रैशनल है. रैशनल है इसलिए उसको एक पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है. और पी अपॉन क्यू जो है वो रेड्यूस फॉर्म में मीन्स देर इज नो कॉमन फैक्टर टू बोथ हैव नो कॉमन फैक्टर. पी को भी कोई और क्यू को भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. therefore p upon q is in reduced form. जब हम ऐसी स्टेप करते हैं reduced form, क्या assume किया हमने? root 2 equal to p upon q because root 2 is a rational number assume किया हमने. तो square करते हैं तो ये मिलता है. तो ये इसको factor है 2 को. p square equal to 2q square means p square have a common q square 2 multiplied by q square means p square is a even. अब पी स्क्वेयर इवन है तो स्क्वेयर रूट ऑफ पी इज इवन. देयरफॉर पी इज इवन है कोई भी नंबर है उसको मल्टीपल रहता है 2. देयरफॉर पी हैव कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 कॉमन फैक्टर. देयर इज अ फैक्टर 2. पी हैव अ फैक्टर 2. कॉमन फैक्टर क्या रहेगा इसका? 2 रहेगा. अब पी इक्वल टू 2t लिख लिया मैंने. कॉमन फैक्टर है मीन्स 2t फॉर्म में. इसको स्क्वेयर करो तो 4t स्क्वेयर मिलेगा. पी स्क्वेयर की वैल्यू है हमारे पास 2q स्क्वेयर. तो ये q स्क्वेयर को भी कॉमन फैक्टर आता है. q भी इवन आता है. देयरफॉर q हैव आल्सो ही आल्सो द कॉमन फैक्टर 2 मींस p एंड q बोथ हैव कॉमन फैक्टर 2 बट वी अज्यूम दैट p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर. और अजम्पशन के हिसाब से ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया. दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्टरी. देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग. therefore root 2 is a irrational number. तो इसी प्रकार हम root 3, root 5, root 7 इसको क्या प्रूफ कर सकते हैं? irrational number. और root 3 भी irrational number है, root 5 irrational number है. इसी method से हम बाकी irrational number प्रूफ कर सकते हैं indirect method से. अब एक एवरी पॉइंट जो भी नंबर लाइन पे एक एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन हैव यूनिक रियल नंबर. क्या है एक नंबर लाइन है. नंबर लाइन पे कहीं पे भी पॉइंट लो दे उसको एक रियल नंबर एसोसिएटेड. एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज एसोसिएटेड विथ यूनिक नंबर. जो है वो दूसरा नंबर नहीं रहेगा. एक पॉइंट को एक यूनिक नंबर रहता ही है. और एवरी रियल नंबर हैव यूनिक पॉइंट. हर पॉइंट को एक नंबर रहता है और एवरी नंबर हैव एक यूनिक पॉइंट. एक पॉइंट दो नंबर को नहीं जाता. एक पॉइंट है तो वो एक ही नंबर को रहता है. ये ध्यान में रख नंबर लाइन में. अब हम इरेशनल के लिए थोड़ा सा डिवीजन मेथड से करके देखते हैं. डिवीजन मेथड से जैसा रूट टू निकालना है. रूट टू अब इरेशनल नंबर है कि नहीं है ऐसा देखेंगे. हाउ वी कैन सी वेदर रूट टू इज अ इरेशनल नंबर और नॉट. तो हम रूट टू निकालते हैं. रूट टू हम पढ़े हैं एक समय. हाउ टू फाइंड द स्क्वेयर रूट बाय डिवीजन मेथड. अब यहाँ टू लिखते हैं और दो दो के ग्रुप बना लेते हैं. दो तीन ये ऐसे बनते जाएंगे. अब हम जब
देखते हैं ना, स्क्वेयर ऑफ 2 का स्क्वेयर 4 है, तो 4 इससे बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या लेते हैं 1, 1 स्क्वेयर इज 1, और यहाँ से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो ये हो जाता है 1, और इसको क्या करते हैं हम ऐड करते हैं, तो ये 2। अब बाद में क्या लेते हैं, ये 2 जीरो ले लेते हैं, जब पॉइंट के बाद की डिजिट शुरू होती है तो यहाँ हम क्या लेते हैं पॉइंट पॉइंट लेते हैं, तो 21 दिया तो 21 वन था, 22, 22 टू था, 23, 23 थ्री था, 69, 24 यदि लेते हैं हम तो ये मिलता है हमको 96, है ना 96। तो यहाँ हमें क्या मिलता है 100 माइनस 96 4, और ये जो 4 है यहाँ हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, है ना, ये हो गया 28, और नेक्स्ट 2 डिजिट ले लेते हैं 20, दो दो के ग्रुप बनाते हैं हम। अब यहाँ पे 282 यदि लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 282 मल्टीप्लाइड बाय 282 562 हो जाएगा, लेस है 400 से, इसलिए क्या लेना पड़ेगा हमको 1, तो यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 281 199, और ये जो 1 आया वो यहाँ क्या करते हैं हम मिला लो, ये होता है 282। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, और एक दो दो जीरो के ग्रुप ले लेते हैं, दिस इज 400 माइनस 281 इज 119, टेक 20, तो दिस बिकम 11,900 एंड वी हैव 282। देखना पड़ेगा इससे और इससे, 1 नहीं 2 3 4 लेके देखते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 यदि लेते हैं हम 1 1 2 6, इसका आएगा 1 1 2 96 मल्टीप्लीकेशन 2824 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना आता है 1 1 2 96, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से तो हमें क्या मिलता है 0 6 0 0, और इन 4 ऐड करते रहेंगे तो हमें मिलेगा 2828। इन दिस वे वी कैन फाइंड द अदर, और यहाँ पे 2 जीरो ले लिए तो यहाँ हमें जो नंबर मिलेगी वो कंटिन्यूअस अलग अलग डिजिट मिलती है, नॉट रिकरिंग डिजिट, एंड रिकरिंग मीन्स रिपीट डिजिट नहीं होगा, 2 डिजिट भी रिपीट नहीं होते, 1 डिजिट भी रिपीट नहीं होते, ये ऐसी नंबर हमको मिलती रहती है, तो इसलिए हम कहते हैं ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होता है, व्हेन वी राइट इन डेसिमल फॉर्म द डिविजन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग डिजिट, तो उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जब हम उसे उसका यदि स्क्वेयर रूट निकालेंगे डिवीजन मेथड से, तो कोई भी एक भी डिजिट यहाँ रिपीट नहीं होता या ग्रुप रिपीट नहीं होता, देयरफॉर और नॉन टर्मिनेटिंग टाइप, द डेसिमल इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डिजिट, तो उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज अ इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर के बाद हम देखेंगे 2.2। 2.2 में थोड़े है चार प्रॉब्लम है, पहला तो है शो दैट 4 root 2 इज अ इरेशनल नंबर। नाउ वी सी प्रैक्टिस सेट 2.2। प्रैक्टिस सेट 2.2 का फर्स्ट प्रॉब्लम शो दैट 4 root 2 इज अ इरेशनल नंबर। इसके पहले जैसा प्रूव किया हमने इनडायरेक्ट मेथड से, वैसा ही हम करेंगे इसे। एज्यूम दैट
4 root 2 is a rational number. तो प्रूव करते हैं हम क्या है, एज्यूम दैट 4 रूट 2 इज ए रैशनल नंबर. रैशनल नंबर है देयरफॉर इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. देयरफॉर 4 रूट 2 इक्वल टू p अपॉन q. अब एक फोर इधर लेके जाते हैं तो क्या मिलेगा हमको, रूट टू इक्वल टू पी अपॉन फोर क्यू. फोर क्यू सी ए पी इज अ इंटीजर, क्यू इज अ इंटीजर, फोर इज अ इंटीजर, देयरफॉर पी अपॉन फोर क्यू इज अ क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर. P and Q are integers. 4 is also integer. Therefore, P upon Q, 4Q equal to is a rational number. In our equation, in this equation, left side is, अभी हमने प्रूव किया, root 2 is rational number होता है. और ये right side rational है. Left side is rational है. तो इरेशनल नंबर इक्वल टू रैशनल नंबर होगी क्या, नहीं. देयरफॉर दिस इज द कॉन्ट्राडिक्टरी. वही लिखना है हमको, इन दिस इक्वेशन लेफ्ट साइड इज इरेशनल, वेयर एज इरेशनल नंबर, वेयर एज ऑन राइट साइड there is irrational. Therefore, a contradictory, rational equal to irrational नहीं होता. Therefore, this is a contradictory. This is a contradictory. Therefore, वही our assumption is wrong. Assumption is wrong. Therefore, 4 root 2 is a irrational number. बस इतना सा प्रूफ है, ज्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल है. इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है, एज्यूम करना है, विपरीत इसके एज्यूम करना है, और उसे हमने जो आजम किया है वो गलत किया है ये हमको शो करना है और बाद में लिख देना है. देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर. सेकंड और है, 3 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. दिस टाइप का प्रूफ अपने बुक में ही दिया है, पेज नंबर 24 पे. 24 में 2 प्लस रूट 3 इज इरेशनल नंबर है ये प्रूफ करके दिया है. बस सेम वैसा ही ये सेकंड प्रॉब्लम करना है. प्रैक्टिस से 2.2 का हमें इधर देखना है, 24 में किया है 2 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर. यूजिंग सेम मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, हम इसे भी शो कर सकते हैं दिस इज अ रैशनल नंबर. तो इसे देख के ये भी सॉल्व करना है बुक में, अपनी कॉपी में, और ये भी प्रूफ करना है वैसा ही. ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 3 है. अब हमने देखिए रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे लिखते हुए, रैशनल नंबर, राइट द रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन. अब हम लिखेंगे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसा लिखते हैं. अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स. क्वेश्चन नंबर 3 में हमको बोला, इन क्वेश्चन नंबर 3 रिप्रेजेंट द नंबर रूट 5 एंड रूट 10. रूट 5 एंड रूट 10, रूट 10 ऑन नंबर लाइन. नंबर लाइन पे इसे दर्शाएं. तो नंबर लाइन है, दोनों पॉजिटिव नंबर है, देयरफॉर ओरिजिन के राइट साइड में रहेगी, है ना.
ये नंबर लाइन में मान लो सेम वन यूनिट सेम डिस्टेंस पे लेना है, वन टू थ्री फोर। अब यहाँ रूट फाइव नंबर लाइन पे दिखाना है, यानी नंबर लाइन पे रूट फाइव कितना डिस्टेंस आता है ये हमें मालूम करना है, रूट फाइव कहाँ आएगा ये हमें मालूम करना है। अब ये मालूम करने के लिए पाइथागोरस इस्तेमाल करना पड़ेगा। पाइथागोरस क्या होता है, यदि मान लो ये टू है और ये वन है तो ये जो डिस्टेंस है यदि ये 90 है रूट फाइव होता है। देखो यदि हम ये ट्रायंगल लेते हैं, ये थोड़ा अपने दिमाग में लाना पड़ेगा, ये नंबर हमको देखना पड़ेगा। जैसा कि रूट टेन है तो क्या 3² + 1² 10 आएगा, और ये डिस्टेंस 3 और ये डिस्टेंस 1 रहेगा तो ये रूट टेन रहेगा। तो ये थोड़ा पाइथागोरस लगाना है यहाँ पे, थोड़ा हमको सोचना पड़ेगा कौन सी नंबर आएगी। यदि हम ये 1 लेते हैं, ये 2 लेते हैं, ये 90 का है तो पाइथागोरस क्या कहता है, AC² = AB² + BC² और यदि हम इसे 2 लेते हैं, AB 1 है और BC 2 है तो क्या हो जाएगा, AC² = 1+4 AC² = क्या हो जाएगा 1+4 = 5 और टेकिंग स्क्वायर तो AC = क्या आएगा √5। तो इतना डिस्टेंस यहां होना नंबर लाइन पे, ये AC होना √5 कैसा है, मोर देन 2 है। हाइपोटेन्यूज इज इन राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर साइड, सबसे बड़ी साइड होती है, दो साइड तीन साइड में से हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, हाइपोटेन्यूज इज अ ग्रेटर साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये एक टू लिया तो रूट फाइव टू के बाद ही रहेगा, है ना, कहा आएगा नंबर लाइन पे 2 के बाद। तो हमारा ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कैसा लिखते हैं हम, इसे कंपास का इस्तेमाल करके हम लाइन खींचते, ये 2 हो गया और इधर ये जितना डिस्टेंस है 1 यहाँ हम उतनी लेंथ का सेगमेंट लेने का, और दिस इज नंबर जो आएगा ये कितना रहेगा √5। हमको यहाँ नहीं होना, ये √5 कहाँ होना, नंबर लाइन पे होना। तो नंबर लाइन पे कैसा लाएंगे, कंपास का इस्तेमाल करके एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, है ना, क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ ऐसा करके यहाँ से ऐसा खींचेंगे, यहाँ जो पॉइंट आएगा मीन्स दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज सेम, तो यहाँ आएगा हमारा √5। तो ये पॉइंट होता है √5। कैसा करेंगे डिस्टेंस टू, बिकॉज वी हैव फाइंड बाय पाइथागोरस में यदि यहाँ नंबर लाइन पे 2 लाना है, √5 लाना है तो वो कहाँ आएगा, 2 के बाद आएगा, बिकॉज 2² + 1² = 5 एंड √5 होना अपने को। तो ये डिस्टेंस यहाँ लाना है, तो कैसा लाएंगे हम, कंपास का एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, ओरिजिन पे एक पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ, ये दो डिस्टेंस पे रख के इसको यहाँ ऐसा करेंगे और यहाँ लाएंगे, यहाँ जो टच होता है दैट इज अवर दिस इज √5। इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट द इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब √10 देखना, √10 के लिए क्या आएगा, ऐसा ही यदि हम लेते हैं तो ये क्या रहेगा 3 रहेगा, ये 1 रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यदि हम इसे PQR बोलते हैं तो क्या हो जाएगा PR² = PQ² + QR² तो PR² = PQ means 3² + 1² PR² = 9 + 1 PR² = 10 therefore PR = कितना आता है √10। तो
ये जितना डिस्टेंस है, ये जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस हमारा रहेगा, यानी थ्री से कितना लेना पड़ेगा हमको, वन। और ये जो यहां से ओरिजिन से इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे। अब ये जोड़ने के बाद वैसे ही जैसा हमने यहाँ कंपास इस्तेमाल किया है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एक एंड और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एक एंड, और इसका आर्क निकालेंगे। आर्क जहां टच होता है नंबर लाइन को, दैट इज रूट फाइव होता है। सेम वैसे ही हम क्या करेंगे, वैसा ही एक एंड यहाँ, और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक आर्क निकालेंगे। दिस आर्क इज अ रूट टेन। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। रूट सिक्स निकालना है तो इसको और एक करना पड़ेगा, इसे जोड़ के ये जो पॉइंट आएगा रूट सिक्स आएगा, इसके बाद रूट सेवन आएगा। यदि हमें रूट 65 निकालना है तो क्या करेंगे, हम नंबर लाइन पे एट लेंगे और यहाँ वन लेंगे, तो एट स्क्वेयर 64 हो जाएगा, ये वन। तो ये पॉइंट जहाँ आएगा इधर रूट 65 होगा। इन दिस वे वी कैन राइट द इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, वी कैन रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन ऑल्सो। तो समझ में आया बच्चों, हम इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे तो क्या, थोड़ा पाइथागोरस को ध्यान में रखना पड़ेगा। जब 10 है तो 3 स्क्वायर होता है, 3 स्क्वायर से बड़ी है ना, 65 बोला है रूट 65, तो 8 स्क्वायर 64 होता है, तो 8 से बड़ी है, तो ये थोड़ा हमको थिंक करना पड़ेगा। और यदि वो थिंक करना आ गया तो वी कैन ड्रॉ द पॉइंट ऑन नंबर लाइन, इरेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। अब ये क्वेश्चन फोर है, क्वेश्चन फोर में फोर प्रॉब्लम है, एक मैं करके दिखाता हूं और बाकी के प्रॉब्लम ट्राई सेल्फ एट होम। तो फोर्थ का पहला प्रॉब्लम मैं बताता हूं कैसा करना है, और सेम मेथड वैसा ही करना है। हमें क्या बोला है, राइट द थ्री रैशनल नंबर बिटवीन टू। तो पहला है 0.3 एंड 0.5, इसके बीच के तीन नंबर लिखो। तो पहला नंबर क्या करेंगे, हम 1/2 करते हैं और दोनों को ऐड करते हैं। 0.3 माइनस 0.5, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2.5 माइनस, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ऐड करना पड़ता है। यदि हम नंबर वन प्लस नंबर टू को ऐड करो, टू से डिवाइड करो, वो एक बीच का नंबर होता है, और जो हमें ऐड करना है, ये निकालने के बाद जो मिलता है वो नंबर प्लस एक नंबर, उसको ऐड करके उसकी एवरेज निकालो, बाद में जो नंबर मिलता है ऐसा करते चलो। अब देखो मैं क्या करता हूं, ये ऐड करना था, अब यहाँ सब्ट्रैक्ट माइनस होने के कारण ये माइनस हो गया, तो ये आता है 0.-2 माइनस आता है, तो ये हमें 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, -0.1। ये जो नंबर है इसके बीच की नंबर है। अब इसको एक हो गया, एक बीच की नंबर हो गई, बाकी भी वैसे ही करना है, और तीन प्रॉब्लम्स है उसको घर में करना है और ऐसे ही करना है। तो क्या ये ले लेने का, 1/2 हमें क्या मिला, -0.1 प्लस 0.3 ले लेता हूं मैं, ठीक है। एक बार इसको लेते हैं इसके साथ और एक बार इसको लेते हैं, क्या हो जाएगा, 1/2 -0.1, तो ये आ गया 0.2 और ये 0.1 ले लो, सेकंड हो गया। और एक थर्ड निकाल लेते हैं, थर्ड इसी के साथ ले लेता हूं मैं, 1/2 -0.1 -0.5, ये क्या मिलता है, -0.6, तो हमें मिलता है -0.3। तो क्या है, क्या मिला हमको, -0.3 -0.1 और एक क्या मिला,
0.1 are the three rational numbers between 0.3 and -0.5. कौन आए हमारे 0.-0.5 और 0.3 के बीच में, ये तीन नंबर और इससे भी ज्यादा निकाल सकते हैं, ये इसके साथ भी ले सकते हैं, हमें तीन ही बोला है, तो ऐसा ही करो, बाकी तीन क्वेश्चन है उसमें, ट्राई टू सेल्फ एट होम, ओके। अब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो आएगा सर्ट्स 2.3 के लिए, ठीक है बच्चों।